अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हो मेरे पास एसी के वाल हैं। एसी के जो बैक पे वाल लगे होते हैं वो हैं, सैंडन भी लगे होते हैं, सैंडन कंप्रेसर होता है उनमें भी लगे होते हैं। ये मेरे पास सब ख़राब पड़े हैं। इसकी वजह ये होती है, एक तो ये नीचे रिंग होते हैं, दो रिंग हैं, एक ऊपर और नीचे। जैसे तो दो रिंग हैं, ये एक ऊपर एक नीचे। ये रिंग भी कट जाते हैं फिर भी गैस लीक हो जाती है। अगर ये बाल जो है ना नरम हो जाता है, ये स्प्रिंग ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है, ये नरम हो जाए तो फिर भी गैस लीक हो जाती है। जेन्युइन कंपनी में जो कंपनी का जो फिटेड होता है उसमें जो है ना दो ही साइड पे वाल लगे होते हैं, एक हाई साइड एक लो साइड पे दो वाल लगे होते हैं। उनको चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वाल जब ये हम एडाप्टर लगाते हैं ना, इसको ज़्यादा टाइट करने से जो है ना ये वाल प्रेस हो जाते हैं नीचे, इसकी जो है ना ताड़ ख़त्म हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ना स्प्रिंग की, ये ताड़ ख़त्म हो जाती है, इसीलिए जो है ना ये वाल चेंज करना पड़ते हैं। नहीं तो चेंज नहीं करोगे तो गैस हल्की हल्की सी लीक करके खारिज हो जाएगी, ठीक है। और जो एसी है ना कूलिंग करना ख़त्म बंद कर देगा। अब देखो तो मेरे को बहुत वाल पड़े हैं, सब जो है ना स्प्रिंग नरम की वजह से पड़े हैं। आप देख सकते हो ज़्यादा अडेप्टर जैसे ही लगाते हैं ना, इसको ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना होता, ये ऊपर से टाइट होता है। ये देख सकते हो ये टाइट होता है, ज़्यादा टाइट होने से जो है ना ये वाल जो है ना वाल ख़राब हो जाते हैं। अगर देख सकते हो मेरे पास वाल पड़े हैं, ये तो मेरे पास खराब वाल पड़े हैं। ये अडेप्टर है, इसको ज़्यादा टाइट करने से जो ना ज़्यादा टाइट करोगे ये जो है ना ये नुकर इसकी जो ना ऊपर आ जाएगी और ये वाल प्रेस हो जाता है। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो वाल प्रेस होने की वजह से ये इसकी जो से जो स्प्रिंग की पैड होती है वो जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, फिर जो है ना ये वाल लीक हो जाता है और गैस खारिज हो जाती है। ये आप देख सकते हो ये पड़े हैं बस वाल 1 3 4 A के। सैंडन भी सैंडन जो कंप्रेसर होते हैं उसमें भी ये वाल लगे होते हैं। ओके दोस्तों, अच्छी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना और शेयर करना दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।